जापान की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, हम इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि जो जापान की सबसे बड़ी कंपनी है और दुनिया की टॉप 10 कंपनियों में भी शुमार है, मतलब जो दुनिया की सबसे बड़ी 10 कंपनी है उनमें यह जापान की कंपनी भी आती है। तो चलिए हम इस कंपनी का नाम जान लेते हैं। इस कंपनी का नाम टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन है। यह दुनिया की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है तथा जापान की सबसे बड़ी कंपनी है। देश और दुनिया भर में इसे टोयोटा के नाम से जाना जाता है। यह एक जापानी मल्टीनेशनल ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरर कंपनी है जिसकी स्थापना 28 अगस्त 1937 में हुई थी। मुख्य रूप से टोयोटा कंपनी को कार, ट्रक और बसों के निर्माण के लिए जाना जाता है, जिसमें यह इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर लग्जरी व्हीकल को बनाने में सक्षम होती है। यह ऑटो मोबाइल्स के अतिरिक्त बैंकिंग, फाइनेंस एवं लीजिंग जैसे कई क्षेत्रों में भी अपनी सेवाएं प्रदान करती है। यह कंपनी भले ही आज के समय में दुनिया की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है, लेकिन 2018 से पहले यह दुनिया की 2 सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल थी। मतलब उस समय यह दूसरे स्थान पर आती थी और पहले स्थान पर उस समय वॉल्क्सवैगन थी, जो कि प्रथम स्थान पर अपना राजस्व क्रिएट कर रही थी। वर्तमान समय में इस संगठन का मुख्यालय जापान के टोयोटा सिटी में स्थित है। उच्च निर्णय एवं दिशा निर्देश तैयार करने के लिए इस निगम के चेयरमैन इसका उदाहरण करते हैं। सो मैंने अब आपको बता दिया है कि जापान की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।